करेक्शन करनी है, तो ये मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ अलग से करेक्शन के लिए, जो दो तीन हमें इसमें करेक्शन करनी है, जो 12 वीडियो में सभी का करेक्शन के लिए मैंने बना दिया है, पूरे टॉपिक जो बना दिया था वो कंप्लीट हो चुका था, और उसमें थोड़ी सी करेक्शन के लिए आपको बताना था। तो करेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन इस वीडियो में ज्यादा बड़ा ना बनाते हुए मैं करेक्शन के नाम से इसे डाल दूंगा, इसे हम गंगा जेंडर जीरो वीडियो कहेंगे। इसे आप देख लें कि अगर कहीं पर आपको डाउट आ रहा है तो आप इस वाले वीडियो में जाकर के, छोटा सा वीडियो है कि अगर कोई ऐसा तो नहीं है कि उसमें करेक्शन हुई है बाद में, तो आप देख लीजिए। एक तो जो करेक्शन है वो आर एम जी एक्स या सी एच थ्री या ये लिख लो आर एम जी एक्स का, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप एल्कोहल के साथ, तो यहां पर जो बनेगा मैंने आपको बताया था वही एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो आएगी एम जी ओ एच लिख रखा था पहली वाले वीडियो में, यहाँ पर ओ एच की जगह पे आ रहे। एक क्या है आर एम जी एच आर एन एच टू, इस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आर एच बनेगा, साथ में क्या बनेगा एम जी आर टू और एन एच फाइव, तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है कि आर टू एन और यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स, तो उस वाली वीडियो में यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर एच आई एच दे रखा था जबकि एच यहाँ पे नहीं आएगा। थर्ड वाली जो करेक्शन है वो एच टू एस सी केस में है, आर एम जी एक्स के साथ रिएक्शन करवाई एच टू एस सी, वही एसिड हाइड्रोजन वाली एसिड बेस वाली रिएक्शन है, ये भी एसिड बेस में सबसे पहले वाले वीडियो में डाली थी, तो इसमें क्या आएगा आर एच आएगा, ये पहले वीडियो की करेक्शन है, तो आर एच दे रखा है और साथ में क्या आ जाएगा एम जी एस एच एक्स, तो यहां पर वहां पर आर दे रखा है एक्स नहीं लिख रखा, तो एक करेक्शन इसमें ये है। तो मैंने आपको बता दिया है कि तीन करेक्शन थी जो पहले वाले वीडियो में, ये तीन करेक्शन आएंगी थोड़ी सी, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना बने, प्रोडक्ट तो मैंने सभी में सही बनाई है, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट है इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन आ रही है, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये यूज किया है। तो एक तो ये है जिसमें दिक्कतें आ रही है, एक और है जिसमें दिक्कतें आई है, एक था शायद 11th वीडियो की करेक्शन है आर सी एच डबल वन एन एच एमाइन ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाई थी मैंने, ग्रेनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन थी, तो पहले एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहां पर जब मैंने बताया था इसके पास लॉन पेयर है, उसके पास क्या दे रखा आपको एच पॉजिटिव आयन दे, तो एच पॉजिटिव आयन क्या है यानी एसिड है और ये क्या है बेस की तरह काम करेगा, तो सीधी सी बात है बेस के पास एसिड किसके पास जाएगा बेस के पास ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पर NH2 पॉजिटिव लिखना रह गया है, जब H पॉजिटिव के साथ होगा तो NH2 वहां पर NH ही लिख दिया, फिर इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाइए, तो वाटर के साथ आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये ग्रुप यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा और ये ग्रुप पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा आर सी एच एन एच टू, और यहाँ पर क्या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि उस वीडियो में बाकी सब कुछ सही है, बस यही में थोड़ी दिक्कत आ रही है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाए आर सी एच ओ एच यहाँ पे क्या आ जाएगा एन एच थ्री पॉजिटिव, एक यहाँ पर एन एच थ्री पॉजिटिव आएगा तो H पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे देगा और ये एन एच थ्री इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट तो इसमें क्या बना है सेम बना है, प्रोडक्ट सेम बना है, बस यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पर एन एच टू नहीं लिखा गया था, यहाँ पर क्या लिख दिया था एन एच लिख दिया थोड़ी जल्दी, तो इसे आप करेक्ट कर लेना। ये फोर्थ मिस्टेक हो गई, लास्ट और थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी एक में, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है ज्यादातर किसी भी वीडियो में, तो आप एक लास्ट वाला है जो इसे आप देख लीजिए इसे लिख लेना, जो करेक्शन है मैंने आपको बता दी, एक यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आई आर एम जी एक्स के साथ रिएक्शन करवाई थी, ईस्टर वाली रिएक्शन थी, इसने यहां पे अट्रैक्ट कर दिया था ऑक्सीजन के पास चला गया था इलेक्ट्रॉन, ये बन गया ओ नेगेटिव, यहां पर ओ था इसके साथ क्या लग जाएगा एम जी एक्स पॉजिटिव, और यहां पर आर जी एम में लिख देता हूं सी एच थ्री क्योंकि उस वीडियो वाली वीडियो में सी एच थ्री था, फिर क्या हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन वापस गए हैं और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास आ गए, तो ये क्या बना देगा डबल बॉन्ड ओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन वापस आ गए तो आप इसे ऐसे ले सकते हो ओ नेगेटिव, यहां पर अब भी क्या लगा हुआ है सी एच थ्री, फिर दोबारा से किसके साथ रिएक्शन करवाइए सी एच थ्री एम जी बी आर के साथ,
CH3MgBr के साथ रिएक्शन हुई है तो दोबारा से कीटोन ग्रुप है तो उसे दोबारा से अटैक कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, तो क्या बन जाएगा इसमें OH CH3, एक और CH3 आए, CH2 O नेगेटिव, और लास्ट में H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाई है तो इससे आगे आप रिएक्शन कर ही लेना, यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा। तो ये रिएक्शन थी एक्चुअल में, ये 5 करेक्शन मैंने आपको बता दिए जो जो इसमें मुझे लगी कि ये करेक्ट होनी चाहिए थी, बाकी तो पूरे 12 वीडियो है, 12 वीडियो में इतनी कोई दिक्कत है नहीं, तो इन करेक्शंस को आप कर लेना जो जो आपको लग रहे हैं, बाकी तो मेरे हिसाब से कोई उसमें करेक्शन नहीं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मतलब कि एक अलग तरह का क्वेश्चन मैंने देखा है जनरली, उस क्वेश्चन को मैं जल्दी से करा देता हूं क्योंकि मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, तो उस करेक्शन वाले वीडियो को देख लीजिए। करेक्शन वाला वीडियो तो आपको पता चल गया, अब इसमें एक क्वेश्चन कराना था कि MgBr दे रखा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ NH ग्रुप दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन करवाई गई HCHO के साथ, पहले या तो ऐसे लिख लो Br दे रखा है, Br के साथ क्या लिया गया Mg, तो ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, N आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या बन जाएगा MgBr है और यहाँ पे क्या लगा हुआ एच। इफ टेल ऑफ बिगनर रिएजेंट, इफ टेल ऑफ बिगनर रिएजेंट इज एसिडिक दैट, तब क्या होगा, टेल का मतलब क्या है, ये पूरा बिगनर रिएजेंट बन चुका है यहां तक, जब बिगनर रिएजेंट बन चुका है तो यहां पे जो दिक्कत आ रही है ये है कि बिगनर रिएजेंट की जो टेल है यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो कैसा एसिडिक हाइड्रोजन उसके पास, If the tail of Grignard reagent have acidic hydrogen, अगर उसके पास acidic hydrogen होती है तब कैसा होगा, तब इसमें क्या चेंज आएंगे, तो वो चेंज मैं आपको बता रहा हूं कि acidic hydrogen होगी तो क्या चेंज इसमें आना चाहिए, तो वो चेंज आपने देखे हैं, इसके पास acidic hydrogen है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी से रिएक्शन हो रही है इसके बाद HCHO के साथ, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट MgBr ग्रुप आपको दे रखा और ये कौन सा ग्रुप एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के साथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है, लेकिन यहां पर रिएक्शन जैसी होनी चाहिए थी, हम सोच रहे होंगे कि इसमें जो प्रोडक्ट है आपको मैंने रिएक्शन बता रखी है ग्रिगनार्ड रिएजेंट की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो ये बनता है CH2OH और यहां पर क्या आएगा NH, लेकिन यहां पर इस एसिडिक हाइड्रोजन के होने की वजह से ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, इस एसिडिक हाइड्रोजन के होने की वजह से रिएक्शन इस तरह से नहीं होगी, तो ये रिएक्शन होगी किस तरह से वो हमें समझना है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें रिएक्शन किस तरह से होगी वो समझोगे, एक्चुअल में जो रिएक्शन है वो इस तरह से नहीं होगी, वो थोड़ी सी अलग तरह से होगी, तो समझो कि रिएक्शन किस तरह से होगी, तो मैंने अभी आपको बताया था ये कंपाउंड आपको दे रखा था MgBr बन चुका था इसमें और यहाँ पे NH था और रिएक्शन इसके साथ हो रही थी HCHO के साथ हो रही थी, तो ये वाला पार्ट इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, फिर कौन रिएक्शन देगा, एक्चुअल होगा क्या कि पहले इसमें प्रोडक्ट बनेगा N और MgBr क्या करेगा इसे एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहां पर H लग जाएगा और यहां पर लग जाएगा नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, अब ये जो नेगेटिव है वो रिएक्शन देगा HCHO के साथ, ये डायरेक्ट ही अटैक नहीं करेगा, कौन अटैक करेगा इसके ऊपर, ये N नेगेटिव अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा जो आप सोच रहे हैं वो बनेगा H और यहां पर क्या बन जाएगा NCH2OH, और जो आप ये समझ रहे हैं MgBr है ये चार्ज है किसके साथ MgOHBr, ठीक है ना, बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करवा दे तो MgOHBr बन जाएगा इसमें और वाटर डाल, ठीक है, तो रिएक्शन इस तरह से होनी थी जैसा आप समझ रहे थे कि रिएक्शन उस तरह से नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर टेल कैसी हो एसिडिक हो तब तो हम रिएक्शन किस तरह से करेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया,
तो क्वेश्चंस करके देखिए, और जिसके पास जो भी बुक है हिमांशु पांडे वगैरह उससे क्वेश्चंस करके देख लेना। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2 या 3 क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक वीडियो अपलोड करे उनसे हो जाएंगे। इससे ज्यादा कोई गिरनार रीजन के बारे में आपको नहीं बताएगा, इससे ज्यादा गिरनार रीजन के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो को आप देख लें, जिनको डाउट आ रहा है, करेक्शन वाले वो आ रहा है, तो वो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है।